निश्चित रूप से हमारे भविष्य में काम आएंगे। आपके आशीर्वचन से हम सभी गौरवान्वित हुए, इसलिए इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद समर्पित करता हूँ। अगली कड़ी में मैं काव्य पाठ का रसास्वादन कराऊंगा। वीर रस से ओतप्रोत के लिए आ रहे हैं श्रीमान अतुल राजानंद, कक्षा 12वीं के छात्र। अब आप पाठ का आनंद लीजिए। पुनः आमंत्रित करता हूँ श्रीमान अतुल राजानंद को, आप मंच पर काव्य पाठ के लिए आए और वीरता से लवरेज करें। कृपया जोरदार तालियां। गुरु भगवते राम कृष्णाय। यहाँ उपस्थित सम्माननीय संपादक महाराज, प्रधानाचार्य महाराज एवं समस्त सन्यासीगण एवं गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम एवं उपस्थित सहपाठियों एवं छोटे भ्राताओं को नमस्कार। मैं अतुल राजानंद, कक्षा 12वीं का छात्र, आप सभी के समक्ष रश्मि रथि के कृष्ण के चेतावनी के अंश को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर, बेगूसराय बिहार में उनका जन्म हुआ था सन 1908 में। तो कविता कुछ इस प्रकार से है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सा धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की ही राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर ऐसी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज टोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन संकार कल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा धृतमाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दित्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चरा चर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरितर सिंधु मंद्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि धनधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है। पहचान इनमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सदन, सांसों से पाता जन पवन। पर जात मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता, वह मुझे बांध कब सकता। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वाहनी प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस सिंघाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मंद के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र और विदुर सुख पाते थे। दोनों जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद।